जय हिंद दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप अपने नाम से फ़र्द डाउनलोड कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप जो अपने कार्ड बनवाते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, तो उनको आप खुद से वेरीफाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो गूगल पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट का साइट दिखाई दे रहा होगा, तो इस साइट पर आपको जाना है। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट यूपी वाली जो साइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस पेज में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कभी और किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो विषय है उस विषय पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमें करना है अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन। तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है आवेदन की स्थिति और दूसरा प्रमाण पत्र का सत्यापन। दोस्तों, आवेदन की स्थिति वो होता है जिससे कि मान लीजिए आपने अपना आय प्रमाण पत्र अप्लाई किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसकी स्थिति क्या है, यानी कि वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, या उसको बना दिया गया है या नहीं बना है। तो वो चीज़ें आवेदन की स्थिति में जा कर के आप चेक कर पाते हैं। दूसरा है प्रमाण पत्र का सत्यापन। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी, एक तो एप्लीकेशन नंबर, दूसरा सर्टिफिकेट नंबर। तो दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर होता है आवेदन क्रमांक। आवेदन क्रमांक आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही होता है और ये थोड़ा बड़ा होता है प्रमाण पत्र क्रमांक से। दूसरा सर्टिफिकेट आईडी। सर्टिफिकेट आईडी का मतलब है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो दोस्तों, इसमें आपको दोनों ही भरने होंगी। सबसे पहले आपको अपना आवेदन क्रमांक भरना है। दोस्तों, जैसे हमने आवेदन क्रमांक भरा और अपना प्रमाण पत्र क्रमांक भरा, तो लिखा आ गया कि आवेदन संख्या के तहत कोई प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। इसका मतलब ये जो हमने संख्या डाली हुई है ये अभी नहीं आई है, यानी कि हमारा प्रमाण पत्र अभी नहीं बना है। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरा कोई प्रमाण आवेदन संख्या डाल करके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि वह बना है कि नहीं बना है। तो दोस्तों, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोबारा से यहाँ पर हम री एंटर करेंगे अपने एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर को। और जैसे ही एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर को हम सर्च बॉक्स में जा कर के क्लिक करेंगे, तो ये देख लीजिए लिखा आ गया है निर्गत प्रमाण पत्र का विवरण। अब इसमें दोस्तों आपकी आवेदन संख्या मिलेगी, प्रमाण पत्र संख्या मिलेगी, और आपका जो नाम है, जो पता है, जो एड्रेस है, वह भी सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान पता आपका दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पर, और ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, तहसील, सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, जारीकर्ता जो अधिकारी है और जांचकर्ता जो अधिकारी हैं, उनके नेम भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अपने आप आय प्रमाण पत्र, मूल निवास या जाति, इन सभी को वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने अपना मूल निवास या आय जाति कभी बनवाया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।